हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लेट्स कंटिन्यू आवर स्टडी ऑफ द लेसन इंडिगो ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 12th इंग्लिश कोर. दिस लेसन इज रिटन बाय लुईस फिशर एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वन पार्ट ऑफ द लेसन. सो दिस लेसन इज प्रेजेंटेड टू यू बाय SKJN PGT इंग्लिश जे एन विकटनी. Meeting the officers. Gandhi wished to get the facts. He went to meet secretary of British Landlord Association BLA. The secretary refused to give information. Gandhiji went to meet the commissioner. The commissioner tried to cause fear in Gandhi's mind and asked him to leave Tirhut. So we have already come to know that Rajkumar Shukla, a poor peasant of Champaran, came to meet Gandhi and requested him to go to Champaran and solve the problems of the peasants, the sharecroppers. Gandhiji had many appointments at that time, so he could not go immediately, but Rajkumar Shukla followed Gandhi everywhere, and ultimately Gandhi reached Champaran with him. On the way he went to Rajendra Prasad house. He also went to Muzaffarpur. He also met other prominent teachers. And now we are reaching to the point where Gandhi started his activities. Gandhi ji Champaran ke sabhi facts ko janna chahte the, sabooton ko इकट्ठा करना चाहते थे, इसलिए वह ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलने गए. लेकिन सेक्रेटरी ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि हम किसी आउटसाइडर को कोई जानकारी नहीं दे सकते. फिर गांधी जी कमिश्नर से मिलने गए. कमिश्नर ने गांधी जी को डराया धमकाया और उनको तिरहुत, जिसमें कि चंपारण पड़ता था, वह तिरहुत से चले जाने को कहा. So let's study in detail. Getting the facts, meeting the secretary, meeting the commissioner. Gandhi visited the secretary of the British Landlord Association. The secretary told that he could not give information to an outsider. Gandhi claimed that he was not an outsider. Next, Gandhi called on to British official commissioner of Tirhut division. The commissioner proceeded to bully Gandhi and advised him to leave Tirhut. So, इस प्रकार से गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले. लेकिन सेक्रेटरी ने कहा कि मैं किसी बाहरी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं दे सकता. लेकिन गांधी जी ने कहा, मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इंडिया का ही हूँ और इंडियंस के लिए ही जानकारी मांग रहा हूँ. उसके बाद गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलने के बाद ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिलने गए, जो तिरहुत डिवीज़न के कमिश्नर थे. लेकिन कमिश्नर ने गांधी जी को धमकाया, डराया और उनसे कहा कि आप जल्दी से जल्दी तिरहुत छोड़ के चले जाओ. गांधी जी प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण. सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम. तो गांधी जी को कमिश्नर ने धमकाया, लेकिन गांधी जी नहीं गए उस जगह को छोड़ के, बल्कि वह मोतिहारी गए, जो कि चंपारण की राजधानी थी, चंपारण की कैपिटल थी. और उनके साथ बहुत से लॉयर्स भी गए. गांधी जी एक घर में गए और उसको अपना हेडक्वार्टर बना के वहीं इन्वेस्टिगेशन शुरू कर लिया. गांधी वेंट टू अ हाउस एंड मेड इट हिज हेडक्वार्टर. ही स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशंस. ही कलेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स एंड डिपोजिशंस. अ न्यूज ऑफ मेलट्रीटमेंट विद अ फार्मर केम. गांधी वेंट टू सी द सिचुएशन. ऑन द वे अ मैसेंजर ऑफ SP मेट हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न. ऑन रिटर्निंग बैक ही गेव हिम एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण. गांधी रिसीव्ड द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर. As a result, he got a summons to appear in the court. So this is the slide heading, summons to Gandhi. So Gandhi ji, Champaran ki capital Motihari mein, ek kamre mein, ek ghar mein reh karke investigation karne lage, saboon ko ikhatta karne lage, contracts, agreements, depositions and deposition ne logon ke bayan lene lage, agreements ki kaapiyan jama karne lage, tabhi unke paas ek khabar aayi ki ek kisan ke saath galat vyavhar kiya gaya hai.
तो गांधी जी उसको देखने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए उस तरफ गए। जब वो हाथी पर बैठ के जा रहे थे तो उसी समय एक एसपी के मैसेंजर ने उनको रोका और उनको ऑर्डर दिया कि वापस चलिए। और वापस आने पर उस व्यक्ति ने, उस मैसेंजर ने गांधी को ऑफिशियल नोटिस थमा दिया। गांधी जी ने नोटिस का रिसीविंग दिया और उस पर लिख दिया कि वह इस ऑर्डर को डिसओवर करेंगे। चूंकि उन्होंने एक सरकारी आदेश की अवज्ञा की, इसलिए उनको एक समन्स मिला जिसमें उनको कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर लिखा हुआ था। सो दिस इज अ पिक्चर शोइंग गांधी इन चंपारण। नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स? गांधी रोड टू आश्रम, टू वॉयस राय, टू फ्रेंड्स, टू राजेंद्र प्रसाद एसेट्रा। चूँकि गांधी जी को कोर्ट से समन मिला था, गांधी जी को गिरफ्तार होने का भी अंदेशा था, इसलिए गांधी जी ने संदेश भेज दिए। वायसराय को संदेश भेजा, फ्रेंड्स को मैसेज भेजे, राजेंद्र प्रसाद को लिखा। सो पूरी रात गांधी जी जागते रहे। एट नाइट गांधी रिमेंड अवेक। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू आश्रम, ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू वायसराय, ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। तो राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने मैसेज भेजा कि अपने प्रभावशाली दोस्तों को लेके आइए। गांधी एंड हिज फॉलोअर्स कैन बी सीन इन दिस फोटो। नाउ वायसराय, नाउ विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। हाउ द विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस हैपन्ड, लेट्स सी वन बाई वन। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट। ये सम स्लाइड्स वेर स्किप्ड, लेट्स कंटिन्यू द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। गांधी जी को समन मिला हुआ था, अब इसके बाद गांधी जी कोर्ट में अपेयर हुए और कोर्ट में क्या दशा थी ये यहाँ देखते हैं। अराउंड द कोर्ट थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स गैदर्ड। तो कोर्ट के आसपास हजारों की संख्या में किसान जमा थे और वे अपने चैंपियन, अपने अग्रदूत गांधी की मदद करने, सपोर्ट करने आए थे। द पुलिस वॉज अनेबल टू कंट्रोल द क्राउड, गांधी हेल्प देम टू रेगुलेट द क्राउड। क्योंकि पुलिस उस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए गांधी जी ने पुलिस की मदद की भीड़ को कंट्रोल करने में। द जज सैड ही वुड डिलीवर द जजमेंट आफ्टर रिसेस। तो जज ने तुरंत निर्णय लेने देने से, जजमेंट सुनाने से इंकार कर दिया। जज ने कहा कि वह रिसेस यानी कि छुट्टी के बाद में सुनाएंगे। और उसके बाद जब छुट्टी के बाद कोर्ट जमा हुई उसी दिन, तो जज ने कहा कि वह कुछ दिनों बाद जजमेंट सुनाएंगे। आफ्टर द रेसेस द जज सैड ही वुड डिलीवर द जजमेंट आफ्टर सम डेज, देन टिल देन ही वांटेड गांधी टू डिपॉजिट अ वेल। और उस समय के लिए गांधी जी से जमानत जमा करने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं कोई बेल, कोई जमानत नहीं लूँगा। तो जज ने उनको बिना जमानत के ही रिहा कर दिया, लिबर्टी पर रहने को अलाउ कर दिया। द जज अलाउड हिम टू रिमेन एट लिबर्टी विदाउट वेल। गांधीज स्टेटमेंट इन द कोर्ट। तो ये गांधी जी ने कोर्ट में क्या स्टेटमेंट दिया था ये भी जान लें। जज ने उनको बेल के बिना रिहा किया, इसके पहले गांधी जी ने कोर्ट में स्टेटमेंट पढ़ा था। गांधी टोल्ड द कोर्ट दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। ऑन द वन हैंड ही डिड नॉट विश टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड ही विश्ड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव चंपारण नॉट बिकॉज ही लैक्ड रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बींग, द वॉइस ऑफ कंसाइंस। ही वॉज रेडी टू पे द पेनल्टी। तो गांधी जी ने कहा कि वह इन्वॉल्व हो गए थे कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में, माने उनके दो कर्तव्यों में एक द्वंद्व हो गया था। एक तो उनका कर्तव्य ये था कि वह कानून का पालन करें और एक लॉ ब्रेकर के रूप में ना उभरें, और दूसरी तरफ उनकी ये इच्छा थी कि वो ह्यूमैनिटेरियन सर्विस करें, अपने देश की जनता की सेवा करें, उनकी मुसीबत से निकालें। उन्होंने चंपारण को छोड़ने का आदेश नहीं माना, उसकी अवज्ञा की, क्योंकि इसलिए नहीं कि उनको कानून के प्रति आदर में कोई कमी थी। नॉट बिकॉज ही लैक्ड रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बींग, द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस। हमारे आत्मा की आवाज़, हमारे हायर ऑर्डर ऑफ बींग, हमारे अस्तित्व का जो प्रश्न उठ जाता है, हमारी आत्मा की आवाज़, हमारी कॉन्साइंस जो कहती है, और वह उन्होंने कहा कि वह पेनल्टी देने को तैयार है। तो इस प्रकार से जज ने उनको बिना जमानत के रिहा कर दिया। अगले पार्ट में हम आगे की बातें देखेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और कमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स।